इस सीरीज के चौथे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, कि मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग के साथ चार गोल्डन रूल्स शेयर करेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। बट ये कब होता है? जब उसको प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है बिना प्रैक्टिस किए हुए आप किसी भी चीज़ को महारत ही हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा जोन है, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरह का टाइम देना पड़ेगा जो 100% डेडिकेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है गाइज। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो सच में आप एंट्री और एग्जिट का प्लान ईजी वे में कर सकते हैं, राइट? और मे बी आपका जो 100 में ट्रेड हो, 10% में आपका 90% विनिंग रेट होगा और 10% लूजिंग होगा। तो 90% में आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहला जो आज बात करेंगे हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मार्केट के हिसाब से हमें एंट्री लेना है और एग्जिट करना, राइट? तो हमें यहाँ पे सिंपल, अभी जो हम यूरो यूएसडी का चार्ट है, लाइव चल रहा है अभी का है, 16 अगस्त का, राइट? तो कोई भी पर्सन यहाँ पे देखेगा तो कहेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है गाइस, ये अप ट्रेंड में है, राइट? तो यहाँ पे अगर मार्केट का स्ट्रक्चर है तो अप ट्रेंड में है। हमें सिंपल क्या करना है कि 5 मिनट में अगर हम ट्रेड लेते हैं, जो मेरा स्ट्रेटजी है, मतलब आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। तो हम हमेशा 5 मिनट में ट्रेड एंट्री और एग्जिट करते हैं, राइट? तो हमें सिर्फ सिंपल जाके हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करना है, हमें कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बता रहा। अगर मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट हमें अप ट्रेंड की तरफ हमें एंट्री बनानी है, राइट? ध्यान देना है, अगर 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लेना है कि मार्केट दोनों टाइम फ्रेम में सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप एंट्री और एग्जिट लेते हैं तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि 5 मिनट पे स्वैप किया था तो अप ट्रेंड में था, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो हमें एंट्री किस तरफ बनानी है? अभी अगर बनानी चाहिए तो हम अप ट्रेंड के तरफ हम अपना पोजिशन बनाएंगे, राइट? एक बात तो ये हो गया गाइस। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं, लेट बैक कर लेते, बहुत सारे ऐसे चार्ट हमें डाउन ट्रेंड के साइड। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मार्केट 1 आवर में है, अगर आप यहाँ पे हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब 5 मिनट पे स्विच होके आपको जाना है, और यहाँ पे कहीं पे आपको अपना एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में शॉर्ट टाइम में और उसके बाद, फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है और 5 मिनट पे आप चार्ट पे एंट्री और एग्जिट लेते हैं, तो 5 मिनट में भी जाके देखें कि वो डाउन ट्रेंड में है और 1 आवर के भी टाइम फ्रेम में जाके डाउन ट्रेंड में। ये एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा गाइज, ये तो मार्केट स्ट्रक्चर बताया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें एरिया ऑफ वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें, कि हमें एंट्री और एग्जिट का कैसे प्लान बनाना, राइट? तो यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू ये हो सकता है कि इसमें 3 से 4 चीज़ आप एरिया ऑफ वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, कहाँ पे मार्केट, देखो मान लेते हैं गाइस कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, तो हमें स्विच कर लेना अपने हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट? 15 मिनट पे लेते हैं या 20 मिनट में पे लेते हैं अपना ट्रेड अपने हिसाब से, तो स्विच कर लेना। और यहाँ पे हमें अपना एरिया ऑफ जोन, एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पे रेसिस्टेंस से सेल करना है और कहाँ पे सपोर्ट से हमें बाई करना, राइट? इसमें ऑल्सो आप इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से भी आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करके एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ वैल्यू आपको देखना सिंपल कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना। अदरवाइज आप यहाँ पे भी मूविंग एवरेज को भी आप यूज कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मूविंग एवरेज है जो 20 है, हमेशा 20 मूविंग एवरेज आप लोग भी रखें अगर आप शुरू में ट्रेडिंग सीख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर ट्रेडिंग का प्लान बनाता है गाइस, तो राइट, तो ये एक, मतलब
ये हो गया आपका कि भाई ये यहाँ से एक एरिया ऑफ वैल्यू है जहाँ से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज़ हमें देखनी है गाइज, ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। पहला मार्केट स्ट्रक्चर देखनी है, दूसरा आपको देखनी है एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना, तीसरा जो प्लान करना है आपको गाइज कि एंट्री और एग्जिट के लिए टिगर करना है कि हमें कैसे कंफर्मेशन मिले। तो यहाँ पे गाइज आपको जब भी एंट्री और एग्जिट के लिए, मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे आपका एक बार बार मार्केट यहाँ टच कर रहा था सपोर्ट से, मार्केट नीचे आ रहा था, फिर मार्केट गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट गया, फिर मार्केट नीचे कंप्लीट आया। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है गाइज कि एंट्री जब टिगर करने जा रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको मूविंग एवरेज आप अगर इस्तेमाल करते हैं, आप RSI इस्तेमाल करते हैं, आप वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो अपना टेक्निकल यूज करें, राइट। अपने हिसाब से एंट्री टिगर कर सकते हैं और उसमें आप देख ले कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। हमें अप ट्रेंड ट्रैक में है तो अप ट्रेंड के तरफ जाना, हमें डाउन ट्रेंड के तरफ है तो हमें डाउन ट्रेंड के तरफ जाना। अभी एक चीज़ हम बता रहे थे कि सिंपल अगर कोई बंदा ये देखे कंप्लीट एक ट्रेंड लाइन किया, अभी एक चीज़ आपको सिखाते हैं, आज आप 1 मिनट में ट्रेड लेना सीख जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी के तरह से कंप्लीट। सॉरी गाइज, यहाँ पे हमें सपोर्ट ले लेना है, राइट। सपोर्ट बार बार मार्केट यहाँ से टच होके ऐसे ले लेना है, ये वैलिड नहीं है गाइज, यहाँ तक वैलिड है जो प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करे, ये वैलिड है आपका। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, अब यहाँ पे हम ट्रेड मतलब अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, राइट। मार्केट को देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, बट मार्केट प्रीवियस आप देखें गाइज, यहाँ पे देखें मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कहाँ किधर का लेना, हमें मार्केट आइडेंटिफाई करना, मार्केट एरिया वैल्यू आइडेंटिफाई करना कि मार्केट हमें जो ट्रेड लेना है वो अप ट्रेंड मतलब लेना बाई की तरफ, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, मार्केट जा रहा था, गिर रहा था, जा रहा था, गिर रहा था गाइज। अब मान लेते हैं कि हमने ये सिलेक्ट किया कि ये प्रीवियस कैंडल को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें एंट्री करना, ठीक है। एक तो ये हो गया गाइज, अब यहाँ पे हमने प्लान बनाया। दूसरा आप सिंपल जाएं यहाँ पे मूविंग एवरेज ले, राइट गाइज। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, कंप्लीट दम कंप्लीट ये सपोर्ट कर रहा, तो मान लेते हैं कि आप ये कैंडल मिस कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एक कन्फर्मेशन और ले लें गाइज, जब आपको कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है, राइट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कैंडल बनी है गाइज शानदार बुलिश कैंडल, वॉल्यूम के अंदर भी है, 20 MA अगर मैं इसका बात करूँ, 20 लेंथ के ऊपर ही है, यानी ये बुलिश तरफ ये हमें इंडिकेट कर रही है। मार्केट यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से चेक कर पा रहे होंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड टाइप में ये ऐसे जा रहा। तो एक दो दो कन्फर्मेशन हो गया, एक पहला तो मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले रहा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा, नीचे 2-3 बार सपोर्ट लिया, चौथी कन्फर्मेशन आप RSI को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। RSI में अगर आप EV चेक कर सकते कि ओवरसोल्ड ओवरबोट तो नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते कि गाइज यहाँ से मार्केट जब हम एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे अभी ओवरबोट एरिया में नहीं है, आप यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें कन्फर्मेशन के साथ आप एंट्री ले सकते हैं गाइज। अभी हम आपको सिखा दिए ट्रेड कैसे लेना सिंपल तरीके से, तो गाइज इस वीडियो को ना 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके और आप कंटिन्यू कर सके। जो चौथा पॉइंट है उसको भी कवर कर लेते हैं गाइज, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। चौथा पॉइंट हमें ये रखना है गाइज कि हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि वेन टू एग्जिट और वेन टू इंटर, मतलब कितना हमें एग्जिट कब करना है जब एंट्री के बाद। मान लेते हैं कि हम एंट्री मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया और एक लॉन्ग पोजीशन बनाया, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया और 1:2 रखा, राइट। और स्टॉप लॉस कभी भी या गैस अपना, मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ माइंड सेट है तो थोड़ा बढ़ा के रखें, मान लेते हैं यहाँ पे, तो आपको 1:2, 1:3 ऐसा नहीं आपको सोचना है कि हम यहाँ पे 1:7, 1:8 लेके जाएंगे और बाद में पता चला कि ये एक ट्रेड चलना आपका कल से और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आफ्टर
टू डेज 3 डेज के बाद यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये गलती नहीं करना, अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से देख लेना। प्रॉफिट के लिए आपको ये भी कंफर्मेशन करनी है कि प्रीवियस मार्केट कहाँ से रिटर्निंग लिया था, कहाँ से रेसिस्टेंस लेके वहाँ से मार्केट रिवर्स लिया था प्रीवियस में जाके, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक चीज़ बताऊँगा, अगर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लाइव ट्रेड में ये चल रहा मार्केट, यहाँ पे देखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, राइट, और एक ये आपका अभी ये एक सपोर्ट एरिया, राइट। मार्केट एक और चेक कर लेते हैं, मार्केट को यहाँ पे एक और रख लेते हैं, मार्केट बार बार यहाँ से टच होके नीचे आ जा रहा। अब हमें जब ट्रेड प्लान भी करना है गैस, तो देखो ट्रेड यहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी पैसे बना सकते हैं गैस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मार्केट ना थोड़ा सा ना अब ट्रेंड में चल रहा, राइट। मार्केट क्या किया, मार्केट दम देखो गैस, यहाँ पे ले सकते हैं, अगर अभी हम बताएं गैस तो यहाँ से अभी प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप आराम से एंट्री ले सकते हैं, वो एंट्री कहाँ पे लेना गाइस, आप यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से गया, फिर मार्केट रीटेस्ट आया, इन लोग का स्टॉप लॉस हिट किया, राइट, और फिर मार्केट पास लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ से भी गाइस, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता, मार्केट यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होके, राइट, रिवर्स होके ये सबके स्टॉप लॉस पहले खाएंगे, राइट, फिर मार्केट कंप्लीट यहाँ से उए ऊपर के लिए उड़ जाएगा। तो गाइज ये एकदम 100% है कि मार्केट इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेगा। पहला आप देखें यहाँ पे मार्केट, मार्केट क्या कर रहा है गाइज कि यहाँ पे मार्केट ये कर रहा, मार्केट यहाँ पे ये गाइज, तो ये कभी लाइव ट्रेड पे आके बता देंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मार्केट अभी जाएगा गाइज और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा, बता ही देते हैं गाइज जब इतना टाइम, मार्केट कंप्लीट जाएगा अभी करेगा और कंप्लीट नीचे आएगा और ये सारे लोगों का स्टॉप लॉस पहले हिट करेगा और फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, राइट। तो आपको ना अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने हिसाब से देख लेना, और जब भी स्टॉप लॉस लगे अपने हिसाब से और प्रॉफिट एंड लॉस अपने हिसाब से रख ले। आप 1:2, 1:1 के हिसाब से बिगनर है तो 1:1 के हिसाब से चले, और जब भी देख लें कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सके और हमारा जो प्रॉफिट के लिए हम प्लान बना रखे गए कि भाई हम जब लॉन्ग करेंगे, मान लेते कि यहाँ पे एंट्री किए हैं और हमें एकदम यहाँ पे सॉरी गाइस, हाँ मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, हम टारगेट यहाँ पे ऐसे रख रखे हैं कि 1:4, और बट प्रीवियस में देखे कि मार्केट ने यहाँ से बार बार रिवर्सल ले रहा, तो मे भी मार्केट यहाँ से जाके रिवर्सल ले सकता है, राइट। तो हमें अपना टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना, राइट, एक टारगेट यहाँ पे रख ले, मार्केट को जब मार्केट यहाँ गया ट्रेल करते रहे, फिर मार्केट पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऐसे, फिर अपना फिर यहाँ पे दूसरा टारगेट रखे जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेगा, अब डेफिनेटली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट कंसिस्टेंसी के साथ ये वीडियो को 2-3 बार देखे, डेफिनेटली आपको बात समझ में आ जाए।